नमस्कार। अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले ये दो वीडियोस नहीं देखी है तो स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो स्टोरी के साथ कीप अप करने के लिए ये दो वीडियोस देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। कहानी अब तक। आखिरकार मैंने मार ही दिया उसे। लगता है उसे हो जा रहा है। कहाँ पे हूँ मैं? ओके, इतने सारे ओके, मेरे को काफी चोटें लग रखी हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम ठीक हो? तुम उठ सकते हो? कहाँ पे हूँ मैं? एक बार देख लेते हैं। तुम फिलहाल के लिए हमारे विलेज में हो। तुम्हें याद है तुमने हमें बचाया था और फिर उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे, तो हम तुम्हें बस उठा के अपने विलेज में ले आए। ये मुझे अपने विलेज में लेके आ गए हैं और फिलहाल के लिए इन्होंने मेरी मरम पट्टी तो कर दी है, जो मुझे लग नहीं रखी है क्योंकि मेरी हालत अभी भी काफ़ी टूटी फूटी पड़ी है। कोई ना, मैं अपनी मरम पट्टी खुद ही कर लूँगा बाद में। बट यहाँ पे फिर से बारिश है, रात है और काफ़ी अच्छा घर है इस विलेजर का। आई गेस चीफ होगा इस जगह का। बट ठीक है, हमें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ दिया, बट मेरा सारा सामान ये लोग ले चुके हैं। तो चिंता तुम मत करो, हमारे ब्लैकस्मिथ ने तुम्हारे स्वॉर्ड और आर्मर को एकदम नया रूप दे दिया है और भी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे लिए। ब्लैकस्मिथ है जहाँ पे इन्होंने मेरी स्वॉर्ड और मेरे आर्मर को नया बनने के लिए दिया था, तो आई गेस वही घर होना चाहिए। बट चलो ठीक है, आगे देखते हैं वहाँ पे मेरी स्वॉर्ड और मेरे मर के साथ क्या किया इन्होंने। वेल, अगर इन्होंने मेरी स्वॉर्ड और आर्मर खराब की होगी, ये पिटने वाले मेरे हाथों से। बट ठीक है, जो मर्जी है। लेट्स, ये हुई ना कोई स्वॉर्ड और मेरा आर्मर इन। ओके, मेरे पास दो आर्मर दिए हैं इन्होंने, या ये वाला पहन सकता हूँ। ओके, ये ज़्यादा कूल नहीं लग रहा भाई? भाई भाई, आपने बनाया? नहीं, तू तो ब्लैकस्मिथ लग भी नहीं रहा। किसने बनाया भाई इतना अच्छा आर्मर? और ये बैटल हैमर, बैटल एक्स है ये। ओके वाह, कितनी अच्छी बैटल एक्स बनाई है भाई, जिसने भी बनाई है बहुत सही। कौन है ये कालीगर? मेरे को दिख भी नहीं रहा। बट तो भी जो भी है, इन विलेजर ने एज अ गिफ्ट दिया तो मैं तो ले लूँगा। ओके, ये मेरी ड्रैगन स्लेयर ही है, इसने बस उसको मॉडिफाई किया हुआ है। नाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है, अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, और मैं ये बैटल एक्स भी लेना चाहूँगा, या ये मेरे को चाहिए। और ये वाला आर्मर ले लेते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि ये चाहिए रहेगा मेरे को। मेरा पुराना आर्मर आया कि उन्होंने फेंक दिया, पता नहीं क्या किया। बट इसको पहन लेते हैं। एंड डैम, आई लुक गुड भाई वो। ओके, ये इसमें मैं काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ। बट हाँ, मेरी थोड़ी सी हालत टूटी फूटी पड़ी है, तो इसमें उतना अच्छा लग नहीं रहा मैं। बट कितना सही लग रहा है भाई ये आर्मर मेरे ऊपर, और साथ में ये, ओ भाई, कुछ ज़्यादा बड़ी स्वॉर्ड है ये। बट ठीक है, मेरे को सारी चीज़ें मिल गई। मेरे पास खाना पीना अभी भी नहीं है, आर्मर वगैरह सब कुछ वापस इन्होंने दे दिया मेरे को अच्छे से बना के, वो भी तगड़ा बना के। ये स्वॉर्ड देख रहे हो भाई, देख रहे हो, सीधा गुत्ती मारूंगा तुम्हारे। बट ठीक है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मेरे पास जो खाना वगैरह था वो देख लो इन्होंने कहाँ रखा होगा मेरा। वेल, मेरे को मेरा सारा का सारा सामान मिल गया, ये रहा। ओके, तो ये बुक दी थी एंड में उसने मेरे को, ये मैंने अभी तक खोली नहीं। कोई ना, इसे खोलते हैं। बट उससे पहले अपना सारा का सारा सामान मैं ले लूँ। सारा सारा सामान ले लिया, अब मैं नॉर्मल किसी घर में जाके इस बुक को खोल के देखता हूँ उस जो समनर था उसने मेरे को दिया क्या था, क्योंकि मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं उसने क्या दिया होगा। ठीक है, सो एक बार इधर चलते हैं, यहाँ पे बंद करते हैं खुद को, और लेट्स सी इस बुक के अंदर क्या है, क्योंकि इसके अंदर कुछ डार्क भी हो सकता है, तो इसलिए मैं विलेजर्स के सामने से खोलना नहीं चाहता। तो लेट्स, ओके, लॉन्ग प्रेस से खुलता नहीं है, तो आई गेस मुझे इसे प्लेस करना पड़ेगा। ओके, ये बुक प्लेस हो चुकी है, काफ़ी भरी भरी बुक लग रही है। लेट्स ओपन इट, पढ़ना पड़ेगा मेरे को। ओ शिट, इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, बहुत सारे पेजेस नहीं है इसके अंदर, एक बार रुको, मेरे को शल कर खोलने दो अपना। वेल, एक पूरा डबल चेस्ट भरने वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। इसके अंदर हर एक डीमन या हर एक के बारे में बता रखा है भाई। ये देखो, ये क्या है, इसके अंदर हर एक चीज़ को बारे में मेरे को बता रखा है। अगर तुम देखते रहो साइड में, तो ये देखो कितने कितने। ओके, ये डीमन टाइप का अच्छा लग रहा है। इसको भी मारेंगे, मेरे को लगता है मुझे सबके सब मारने पड़ेंगे। मैंने अभी समनर को मारा था, तो उसका भी बुक होना चाहिए इसके अंदर, पर ढूंढना पड़ेगा कौन सा होगा उसका अंदर। तो इसके अंदर मैं हर एक डीमन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, बट इसको कैरी करना मुश्किल है यार मेरे लिए, क्योंकि इतना सारी चीज़ मैं कैरी कहाँ से करूँगा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं इसको यहीं पर चेस्ट में रखूँगा, और मैं अपना घर भी यहीं पर बसाने वाला हूँ। तो या मैं इस विलेज को ऑक्यूपाई करने वाला हूँ, और इस घर को स्पेशली ऑक्यूपाई करने वाला हूँ, क्योंकि वो चीफ का घर है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे वो लेना चाहिए। सो मैं छोटे वाले घर में ही रहूँगा। थोड़े से ये विलेजर
ने मुझे गिफ्ट वगैरह दिए थे, जैसे कि ये ऑब्सीडियन का ये दिए थे, थोड़े से ऑब्सीडियन और थोड़े से डायमंड दिए थे। तो मैं इसका एक नेदर पोर्टल बनाना चाहता हूँ, बट मैं बनाऊंगा थोड़ा सा दूर जाके, क्योंकि लाइक नेदर पोर्टल से बहुत ही ज़्यादा ना क्रिएचर्स निकलते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो विलेजर्स पे अटैक करे। तो इसलिए मैं इस दीवार के पीछे इसको बनाऊंगा जिससे वो विलेजर्स को अट्रैक्ट ना कर पाए। ठीक है, सो हम यहाँ पे बना देते हैं अपने फाउंडेशन। ओह शिट, मैं नेदर पोर्टल यहाँ पे बना रहा था और यहीं पे समन हो चुका है एक और डीमन जिसको मेरे को मारना है, बट अभी तक इसने मुझे नोटिस नहीं। ओह शिट, नोटिस भी कर लिया। नहीं, काफी जल्दी नोटिस कर लिया वैसे। ओके, इसने मुझे नोटिस तो कर लिया, शायद ये ऐसे ही अटैक कर रहा है रैंडमली, तो मुझे इसको वापस से मारना पड़ेगा। पता नहीं यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से भी मेरा ढूंढ लेते हैं जहाँ पे भी मैं रहने जाता हूँ, तो मुझे इसको मारना तो पड़ेगा। ओके भाई, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के अटैक कर रहे हैं काफी सारे। ओके, तो ये जितना दिखता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चीज़। एंड यानी ओके, देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा विलेज में भी अटैक कर रहा है, तो मुझे इसको तो विलेज से पहले ही मारना पड़ेगा। और ये ओके, ये अटैक काफ़ी कर रहा है बट इसकी हेल्थ कम है, तो आई गेस मैं इसे जल्दी मार पाऊंगा। एक बार इसका यूज़ करते हैं यार, मैं विलेजर्स के साथ रहूंगा तो अच्छा होगा, पर मैं विलेजर्स के ऊपर इतना बड़ा दुश्मन लेके आ गया है भाई, इसने पूरे विलेज को तबाह करना शुरू कर दिया। तो एक बार ही ओके, नहीं ये सबको विचेस बना रहा है, गया कहाँ पे ये गधा इंसान। मिल जा भाई, सीरियसली यार ये क्या कर रहा है। ओके वोरा, तो एक बार ही सबसे पहले तो ये बैटल एक्स का यूज़ करके ओके एक लगी नहीं। ओके तो मैंने इसको मार तो दूंगा। ओके घर गया, क्या गया 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 हो शिट, मैंने इसको मार तो दिया इजीली, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल था नहीं मारना, बट इसने विलेज को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मतलब मैं विलेज पे तो रह नहीं सकता, या मैं विलेज वगैरह पे रह नहीं सकता, क्योंकि विलेजर्स ही सेफ नहीं है मेरे साथ रह के, वो डीमंस आते रहते हैं मेरे को मारने के लिए और विलेजर्स भी बेचारे उन्हीं के साथ पिट जाते हैं यार, ये चीज़ काफ़ी गलत है। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करते इसने विलेज को। नेदर में जाने से पहले मुझे एक चीज दिखी थी, ये वाली चीज तुम भी देख सकते हो, तो एक बार इसे जाके देखते हैं ये है क्या। ओके, तो जो समनर ने मुझे बुक दी थी ये भी कुछ उसी जैसी बुक लग रही है मेरे को, तो एक बार इसको उठा के देखते हैं क्या बुक है। लाइक जैसी उसने दी थी ये थोड़ी सी अलग है, खुली बुक है, उसने मुझे बंद बुक दी थी, तो एक बार इसको ले के देखते हैं। ओ शिट, नहीं, फोलन फिर से आ गया। नहीं, ओके, क्या मैंने अभी जस्ट समनर का सपना देखा? व्हाट द हेक, ये क्या था? मेरे विलेजर्स तो चलो सेफ हैं, सच्ची में मेरे को समनर का सपना आया भाई। मैं समनर से इतना डर चुका हूँ कि मेरे को अब उनके सपने आ रहे हैं। शिट भाई, ओह भाई, चलो कोई ना गाइस, अभी मेरे को ऐसे बुरे सपने तो आते ही रहेंगे, अभी मेरे को बस अपना नेदर पोर्टल चालू करना है। और मैं कहाँ गिर रहा हूँ, इसको करते हैं चालू। ओके, ये भी चालू हो चुका है शांति से, अब इसके अंदर से कुछ निकले ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विलेजर्स बेचारे वैसे ही तंग हो चुके मुझसे, बट कोई ना, चलते हैं इसके अंदर। वेल, मैं नेदर के अंदर तो आ चुका हूँ और मुझे अभी तक कोई भी ऐसे डरावना क्रिएचर तो नहीं मिला, हो शुक्र है। इसके अंदर मेरे पे ज़्यादा खतरा ना आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कांड हो सकते हैं। वैसे तो अभी नॉर्मल घूमते हैं, अगर अच्छी लगी ये जगह तो यहाँ पे रहने का सोचूंगा मैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे डीमंस का ज़्यादा है लेन देन, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक रह नहीं पाऊँगा। ठीक है, ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये जगह सेफ है, लाइक तुम देख सकते हो इसके अंदर अभी भी कितने सारे अजीब अजीब से एंड तगड़े क्रिएचर हैं। मेरे को ओके, अभी मारता हूँ उसको। ओके मर गया, शुक्र है। ओके, तो इसके अंदर देख सकते हो तुम कितने वियर्ड टाइप के क्रिएचर्स हैं। एंड ये देखो भाई क्या चीज़ें हैं, ये मेरे को लगता नहीं गाइस इतना भी सेफ जगह है जिसमें मैं रह सकूं। ठीक है, ये क्या मिल रहा है मेरे को? ओके, गट्स मिल रहे हैं इनके, छी मेरे को वैसे चाहिए नहीं सारी चीज़ें, बट या इसके अंदर वो बड़े बड़े डीमंस तो नहीं है, ये छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जिनको मैं इजिली बीट कर सकता हूं, बट तो भी बच के रहना पड़ेगा मेरे को। की वेट कर रहा था, लाइक मुंह पे कौन समन होता है, थोड़ा सा दूर जाके समन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है एक टॉर्च टाइटन डीमन। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा भी है, लाइक टाइटन है तो ऑब्वियसली। ओके, जाइंट है, टाइटन भी नहीं, जाइंट है, मैंने इसका नाम ही गलत पढ़ लिया। और ये मैं इसको इजीली बीट कर सकता हूँ, टेंशन मत लो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ठीक है, ले भाई, और बस मैं मरना चाहूँ। शिट, नहीं मार भी देते हैं भाई ये लोग, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है इनका। देखो भाई, देख रहे हो ये धमाके कैसे मचा रहे हैं, तो मेरे को वाह भाई बहुत सही, उसने गड्ढा कर दिया यार, ये क्या चीज़ है। रुक जाए, इसको थोड़ा सा गड्ढे में गिरने दो प्लीज़, गिर जा नीचे तो वो मैं ओके मारा लगा ला। ओह शूट, मतलब वो मुझे इतना डैमेज नहीं कर पा रहा, ठीक है स्टिल। तो हम इसको नॉर्मली ही तरीके से मारते हैं, एक्स से मैं वैसे नॉर्मल डैमेज दे सकता हूँ जो इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम अपनी स्लेयर से इसको मार देंगे। लाइक सीरियसली मैं बहुत ताकत, ओह भाई नहीं, मैं इतना भी ताकतवर नहीं हुआ भाई, मारते रहा अभी मेरे को, तो मर जा, कितना टाइम लेगा। ओके, नहीं अभी भी नहीं भाई, इस बंदे की हालत कम। ओ भाई मेरे को फेंक दिया। ओके शिट, नहीं मैं लावा में गिरने वाला हूँ। नहीं, थोड़ा सा दूर बुलाना पड़ेगा इसको, यहाँ पे लावा आ जाएगा। जगह मिल गई इसको मारने के लिए, जो है यहाँ से पीछे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है इसको,
मैं लावा से बचा हुआ हूँ और यहाँ पे इसको लग भी रहा है, तो बस दो तीन शॉट और एंड ये मर गया। भाई दिमाग खराब कर दिया था, और शायद कुछ जल गया, कुछ तो जल गया, कुछ जल गया, कुछ जल गया, कुछ जल गया। ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड था भी नहीं इससे मिलने का। तो मुझे ये 5 टॉर्च टोटम मिले हैं, जो मुझे नहीं पता क्या था, टॉर्च वुड टोटम है, ठीक है। सो इसको यूज करते हैं, पहले तो किसी अच्छी लैंड पे जाते हैं लावा से बच के। मेरे को डैमेज मिलता है बहुत सारा इससे। या चलो ओके, नॉर्मल लैंड पे जाते हैं। और प्लीज अभी कोई डीमन डूमन समन मत होना, मैं कुछ ट्राई करना चाह रहा हूँ ये वाली चीज को। क्या ये ओके, तो ये भाई साहब कोई चीज़ तो है, आई गेस ये टॉर्च है, मेरे साथ चलती रहती है, टॉर्च लाइट देती है मेरे को। मेरे साथ भी नहीं चल रही वो गदी, मेरे साथ तो चल ले भाई प्लीज़। क्या मैं इसको मार सकता हूँ कुछ तो खा? ओके ये डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ मैं इसको। ओके ठीक है, ये डीएक्टिवेट हो जाती है, अब इसको वापस एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी आग ख़त्म हो गई। ओके अजीब चीज़ है ये, मेरे को समझ नहीं आया इसका यूज़ क्या है, बट स्टिल मैं धीरे धीरे समझ जाऊंगा इसका यूज़ क्या है। बट अभी फिलहाल के लिए इसको रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं अपनी और एक्सप्लोरेशन। और डीमंस आने वाले हैं, तो उनसे भी लड़ने की तैयारियां कर रही हैं क्योंकि ये लावा वाली चीज़ें हमेशा होंगी मेरे साथ। अब इसी से लड़ना पड़ेगा मुझे।